शिवराज सिंह ने कांग्रेस को क्यों दिया नाम बदलने का सुझाव? आखिर शिवराज ने कांग्रेस को कौन सा नया नाम सुझाया है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते ही बीजेपी में खुशी की लहर छा गई। हर तरफ पार्टी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में जुटे दिखे, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी ट्विटर वॉर शुरू हो गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे अपना नाम बदलने की सलाह तक दे डाली। दरअसल मंगलवार सुबह कर्नाटक के नतीजों के रुझान सामने आने के साथ ही जहां कांग्रेस समेत दूसरे दलों में हड़कंप मच गया, वहीं बीजेपी में खुशी की लहर छा गई। बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया पर भी जश्न मनाते दिखे। कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तंज कसना नहीं भूले। शिवराज ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल लेने की सलाह दे डाली। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के साथ ही अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अपना नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर कांग्रेस पीएमपी कर लेना चाहिए। कांग्रेस पंजाब, मिजोरम, पुंडुचेरी। आपको बता दें कि 15 मई को आए कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस के हक में नहीं रहे। पार्टी को यहां महज 78 सीटों पर ही जीत मिली। इसके साथ ही कांग्रेस के हाथ से एक और बड़ा राज्य निकल गया। कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक निकलने के बाद अब उसकी पुंडुचेरी, मिजोरम और पंजाब में ही सरकार बची है। हालांकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को शुरुआत में बहुमत मिलता नजर आया। रुझान अपने पक्ष में आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही बीजेपी की सारी खुशियां उस वक्त काफूर हो गई जब पार्टी 104 सीटों पर अटक गई और बहुमत से 8 सीट पीछे रह गई। लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक चुनाव के नतीजों को बीजेपी अपनी बड़ी कामयाबी बताने में जुटी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।